नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल शाम को ही वीडियो डाल के आपको बता दिया था कि टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया को करारी हार झेलनी पड़ी। एक बार फिर से हार का सिलसिला जारी है और दोस्तों इसी के साथ टीम इंडिया सीरीज भी हार गई है। और दोस्तों अब अंतिम मैच जीत कर टीम इंडिया को अपनी लास्ट तो कम से कम बचाना ही होगा और दोस्तों उसमें कई चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी ध्वस्त रहा। ऋषभ पंत को छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका। ये कहिए कि लोअर ऑर्डर में शार्दुल ठाकुर और रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया की लाज बचा ली। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि टीम इंडिया को अगला मैच जीतने के लिए अपने स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। और दोस्तों राहुल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके संकेत दिए हैं। दोस्तों मैं आज इसी की बात करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटे वाली जो बगल में बेल आइकन दिखे उसको प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने मेजबान को जीत के लिए 288 रनों का टारगेट दिया था, जिसे 3 विकेट खोकर साउथ अफ्रीका ने आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। मीन्स कि आप ये बोल सकते हैं कि साउथ अफ्रीका सीरीज जीत गई है। दोस्तों सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने बड़ी बात कही है। राहुल ने कहा कि मिडिल ओवर्स के बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पा रहे। साथ ही राहुल ने तीसरे वनडे मुकाबले में टीम में बदलाव को लेकर भी स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों आपको बता दें कि तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच रविवार को केपटाउन में खेला जाना है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे लगता है कि घर में बहुत अच्छा क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं और हम लगातार गलतियाँ भी कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक अच्छा सबक है। हमारी टीम जीतने में बहुत गर्व महसूस करती है, लेकिन यह हमारे लिए अच्छी सीख है और उम्मीद है कि हम आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। हम उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे अतीत में हमने अच्छा नहीं किया। और दोस्तों राहुल ने आगे कहा कि उन्हें श्रेय देना होगा कि वे हमें साझेदारी में बल्लेबाजों के खिलाफ जल्दी दबाव बनाने का महत्व बता रहे हैं। पहले गेम में शिखर और विराट ने जिस तरह से दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी की वह बहुत अच्छी थी, लेकिन ऋषभ पंत ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया और स्पिनर्स पर दबाव बनाया, वह काफ़ी सराहनीय था दोस्तों। और वास्तव में वो टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। दोस्तों लास्ट ओवर शार्दुल ठाकुर भी ने भी दिखाया कि वह भी निचले क्रम में अच्छा बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि राहुल और टीम मैनेजमेंट अगले मैच के लिए टीम में क्या बदलाव करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।